नमस्ते सभी दर्शकों और पाठकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आंकड़ों गांव आपकी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन, श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय समाचारों से अपडेट रहने के लिए आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आइए देखते हैं 22 जुलाई 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। बीकानेर में आज शाम तक कोरोना के 59 पॉजिटिव आए, 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। श्री डूंगरगढ़ में आज 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए। 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव हुई और प्रशासन ने कर्फ्यू का दायरा भी बढ़ाया। गांव मोमासर में आज कोरोना जांच के 93 सैंपल लिए गए, गुरुवार को रेड़ी में होगी जांच। कला वर्ग में देराचर की सोनू भादू ने जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान पर सुशीला गोदारा, तृतीय स्थान पर श्याम सुंदर नायक ने रैंक बनाई। सरकारी विद्यालयों के भी रिजल्ट आए बेहतरीन। कस्बे के सुभाष जावा को राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ का तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गांव के मध्य से गांव के बाहर बैंक की शाखा ले जाने का ग्रामीणों ने विरोध दर्ज करवाया। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले कोरोना अपडेट्स पर। बीकानेर में कोरोना कहर बरपाने लगा है। आज शाम बुलेटिन बनने तक जारी कोरोना रिपोर्ट में 59 पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1550 हो गया है और 36 मरीजों की मौत हो गई है। आज भी बीकानेर में कोरोना से 2 मौतें हुई। श्री डूंगरगढ़ कस्बे में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आज सोमवार को लिए गए 71 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। आज पॉजिटिव आए मरीज वार्ड 12 में 56 वर्षीय महिला है और वार्ड 23 में एक 43 वर्षीय पुरुष व एक 44 वर्षीय पुरुष शामिल है। दोनों ही वार्ड पहले से कर्फ्यू के दायरे में है और प्रशासन ने आज कर्फ्यू का दायरा बढ़ा दिया है। आज इन 71 में से 12 रिपीट सैंपल की रिपोर्ट भी आ गई। राहत की बात ये रही कि सैंपल के रिपीट सैंपल में आज नेगेटिव हो गए हैं। 12 जनों को चिकित्सा विभाग ने कोविड सेंटर से निकालकर अपने घरों के लिए भेज दिया है। विभाग ने इन्हें होम क्वारंटाइन किया है। कोविड सेंटर श्री डूंगरगढ़ में आ जाए 3 पॉजिटिव मरीजों के साथ अब 7 मरीज रहेंगे। आज गांव मोमासर में सैंपल लिए गए, जिनमें 93 ग्रामीणों ने अपने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए। ब्लॉक CMHO श्री मोहन जोशी ने जानकारी दी कि गांव मोमासर में अब शनिवार व सोमवार को नियमित कोरोना जांच के सैंपल लिए जाएंगे। वहीं कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में सोमवार व शुक्रवार को नियमित सैंपल लिए जा रहे हैं। विभाग गुरुवार को गांव रेड़ी में कोरोना जांच के सैंपल लेगा। जोशी ने नागरिकों से अपील की है कि जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री या कॉन्टेक्ट हिस्ट्री में कोई पॉजिटिव मरीज आया है तो वे या वे बाहर से आए हैं तो अपना सैंपल जरूर दे, जिससे स्वयं के साथ वे अपने क्षेत्र में परिवार में संक्रमण को फैलने से रोक सके। डूंगरगढ़ तहसील में कला वर्ग का शानदार परिणाम रहा। बोर्ड द्वारा मंगलवार को जारी 12वीं के परीक्षा परिणाम में बेटियों ने नाम रोशन किया है। तहसील में ही नहीं, देराचर की बालिका सोनू पुत्री केसरा राम भादू ने जिले में प्रथम रैंक हासिल की है। देराचर में पूनिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बालिका सोनू ने स्कूल के अतिरिक्त 4 घंटे नियमित अध्ययन से ये रैंक बनाने में सफलता हासिल की। स्कूल के प्रबंधक रामचंद्र पुनिया ने बताया कि बालिका सोनू ने 500 में से 483 नंबर हासिल कर 96.60% अंक लाकर विद्यालय व गांव का नाम रोशन किया है। साधारण किसान परिवार में 7 बहनों में सबसे बड़ी सोनू को इस विद्यालय द्वारा कक्षा 6 से निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। बालिका ने टाइम्स को आगे जाकर प्रशासनिक अधिकारी बनने की बात कही। वह अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व गुरुजनों सहित अपने सहपाठियों को भी दिया। द्वितीय स्थान पर लिख मिसर दिखनाता के स्वामी विवेकानंद विद्या आश्रम की बालिका सुशीला पुत्री रामचंद्र गोदारा ने 94.80% नंबरों के साथ हासिल किया है। तृतीय स्थान पर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का बालक श्याम सुंदर पुत्र रामलाल नायक ने हासिल किया है। श्याम सुंदर ने 94.60% अंक हासिल कर तहसील में तृतीय रैंक हासिल की है। कस्बे के शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बालिका कांता पुत्री किशनलाल प्रजापत 93.80% अंकों के साथ तहसील में चौथे स्थान पर रहे हैं। तहसील के 2 सरकारी विद्यालयों का कला वर्ग का परिणाम भी अति श्रेष्ठ आया है। गांव उदरासर व गांव सुरजनसर के सरकारी विद्यालयों का परिणाम 100% रहा है। उदरासर स्कूल के प्रधानाचार्य राजकुमार सोनी ने कहा कि 12वीं कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, जिनमें 16 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से व 8 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरजनसर के प्रधानाचार्य अन्नाराम ने बताया
कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा और 12वीं के कुल 37 विद्यार्थियों में से 24 प्रथम श्रेणी से, 11 द्वितीय श्रेणी से और 2 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह धनवार ने श्री डूंगरगढ़ शाखा के अध्यक्ष पद पर कस्बे के सुभाष जावा पुत्र प्रकाश जावा को नियुक्त किया है। अध्यक्ष ने जावा को सफाई कर्मचारी वर्ग एवं वाल्मीकि समाज के समस्याओं को हल करने व इस वर्ग को न्याय दिलवाने हेतु प्रयास करने की बात कही। जावा को 15 दिन में तहसील स्तरीय कार्यकारिणी गठन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जावा ने कहा कि वे निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। कित्तासर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा को गांव के मध्य से गांव के बाहर बने भवन में ले जाने का ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सरपंच सांवरमल के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध पत्र पर हस्ताक्षर कर क्षेत्रीय प्रबंधक को भेजा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के बाहर मृत पशुओं को डालने के स्थान के पास बने एक भवन में बैंक की शाखा को स्थानांतरित किया गया है। सरपंच सांवरमल ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है और गांव के बुजुर्ग व महिलाओं के लिए वहां तक आवागमन करना मुश्किल होगा। सभी ग्रामीण इसे पुनः गांव में लाने के लिए पुरजोर मांग कर रहे हैं। डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।